मैंने अर्ज किया कि ये बेसिकली हम क्या हैं, ये हम अपने डिसीजंस की प्रोडक्ट होते हैं। एक डॉक्टर ने फैसला किया कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए, वो डॉक्टर बन गया। एक इंजीनियर ने यह फैसला किया कि मुझे इंजीनियर बनना चाहिए, वो इंजीनियर बन गया। एक बच्चे ने यह फैसला किया कि मुझे आईटी इंजीनियर बनना चाहिए, तो आईटी इंजीनियर बन गया। एक साहब ने यह फैसला किया कि मुझे जर्नलिस्ट बनना चाहिए, वो जर्नलिस्ट बन गया। एक बंदे ने यह फैसला किया कि मुझे पॉलिटिशियन बनना चाहिए, वो पॉलिटिशियन बन गया। पॉलिटिशियंस है या पॉलिटिक्स है, ये जर्नलिज्म है या आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये इंजीनियरिंग है या मेडिकल साइंस है या बिजनेस एग्जीक्यूटिव है, ये सब प्रोडक्ट्स हैं, ये हमारी पर्सनैलिटीज हैं। हर पर्सनैलिटी जो होती है प्रोडक्ट होती है, और हर एक प्रोडक्ट जो होती है वो पर्सनैलिटी होती है। इसको बनाने में मेन किरदार को क्या चीज़ अदा करती है, वो डिसीजन होता है, फैसला। अब ये फैसला करने वाले लोग जो होते हैं मुख्तलिफ होते हैं, इनको मैं तीन हिस्सों में तकसीम करता हूँ। ये देखिए, पहला हिस्सा हमारा एनवायरनमेंट, मुल्क, सोसाइटी। मुल्क या सोसाइटी या एनवायरनमेंट ये महसूस करता है कि डॉक्टर जो होते हैं उनको बड़े पैसे मिलते हैं, वो बड़े बाइज्जत होते हैं, उनसे मिलकर लोगों को बड़ी खुशी होती है, या वो बहुत अच्छी तरह सर्व करते हैं लोगों को, वो बहुत लोगों के लिए हेल्प करते हैं। तो हमने उस एनवायरनमेंट से ये सोच सीखा कि मुझे डॉक्टर बन जाना चाहिए, तो हमने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। हमने शुरू में 6 साल का बच्चा था, माँ ने कहा कि मेरा पुत्र डॉक्टर बनेगा। बाप से किसी ने पूछा कि बच्चा क्या करेगा, अगर डॉक्टर बनेगा। गली के अंदर 2 डॉक्टर थे, उनके सामने बड़ा हजूम होता था, लोग होते थे, लोगों के सर में दर्द होता था, कहते हाय डॉक्टर साहब, या जो खाला जी थे उसको चुप पड़ जाती थी, कहते हाय डॉक्टर को बुलाओ। तो मैंने देखा कि हाय डॉक्टर, या बच्चे ने देखा कि हाय डॉक्टर, उसने डॉक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो मुझे डॉक्टर बनना चाहिए। पता चला कि मोहल्ले में एक साहब ने सबसे पहले पक्का घर बना लिया, उसने कलर टेलीविजन ले लिया, तो बड़ी स्क्रीन वाले टेलीविजन है वो ले लिया उसने। उसके घर पे हर किस्म का मोबाइल टेलीफोन लग गया, उसके एंटीने लग गए, उसके घर के सामने बड़ी गाड़ी खड़ी हो गई। पता चला ये क्या करते हैं, उसने कहा डॉक्टर है, तो मैंने सोचा डॉक्टर बनूंगा। एनवायरमेंट, फैमिली और पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, या एक जो कलरफुल लाइफ जो मुझे नज़र आ रही है वो मुझे डॉक्टर में नज़र आ रही है, मैंने फैसला कर लिया मुझे डॉक्टर बनना चाहिए, पहला डिसीजन। दूसरा, मेरे टीचर्स, अब टीचर जो था वो खुद डॉक्टर नहीं बन सका, खुद इंजीनियर नहीं बन सका, उसने साइंस रखी, वो मैथमेटिक्स में अच्छा नहीं था, फेल हो गया। उसने बायोलॉजी रखी, उसमें अच्छे नंबर नहीं आ सके, नहीं हो सके। FSC की डॉक्टर साहब ने, उस टीचर ने, तो 4, 5, 10, 15, 20, 50, 200 नंबरों से रह गया, डॉक्टर नहीं बन सका, इंजीनियर नहीं बन सका। उसने पूरी क्लास को बताना शुरू किया कि डॉक्टर बनना बड़ा मजे का काम होता है, इंजीनियर बनना बड़ा मजे का काम होता है। उसने हमें इतने इंजेक्शन लगाए कि हमने सोचा कि इंजीनियर बनना चाहिए, हमने सोचा कि डॉक्टर बनना चाहिए। या वो टीचर जो था उसका बच्चा इंजीनियर बन गया या डॉक्टर बन गया, तो हर क्लास में वो कहता था कि अहमद जो था उसने बड़ी बड़ी तरक्की की, अहमद जो था उसने बड़ी मेहनत की, अहमद बड़ा ब्रिलियंट था, अहमद हर वक्त पढ़ता रहता था, वो किताबें रट्टा लगाता रहता था, वो इंजीनियर बन गया। अहमद की तनख्वाह बड़ी अच्छी होगी, 1.5 लाख रुपए दे रहा है, और उसमें 25,000 रुपये देता है, ठीक हो। अब उन्होंने एक रोल मॉडल बना दिया उसको, अहमद को, टीचर ने, या उनकी जो हसरतें थी, जो उनकी नाकामियां थी, उनको उन्होंने एक रोल मॉडल में कन्वर्ट कर दिया। वो रोल मॉडल मैंने इतनी बार देखा, इतनी बार सुना, कि मैंने कहा इंजीनियर बनना चाहिए, मैंने सोचा कि डॉक्टर बनना चाहिए, मैंने, ठीक हो। शेर जो है वो उसको भी नहीं पकड़ सकता, खरगोश को भी और हिरण को भी नहीं पकड़ सकता, उसकी वजह यह है कि वो सोए, दोनों अपनी जान बचाने के लिए, और इससे सिर्फ भूख मिटानी। तो ये एक लेजी किस्म का खरगोश तलाश करेगा कि दौड़ के अपने बिल में घुस सके, ये भी एक फ़र्क है। टैलेंट डेफिनेटली, मैंने पहले अर्ज किया कि आप जब अपने टैलेंट के डिसीजन पर जाएंगे तो आप हमेशा कामयाब हो जाओगे। ये सब लोग अपने टैलेंट के डिसीजंस पे, ये सारे जानवर अपने टैलेंट के डिसीजंस पे चल जाएंगे, तो अपनी बेसिकली जंगल के अंदर जिंदगी बिताना सबसे बड़ा काम होता है, सबसे बड़ा पर्पज है आपका अपनी ज़िंदगी बचाना है। तो वो सारे जानवर जो हैं उसमें बड़े एक्सीलेंट होते हैं, बड़े एक्सपर्ट होते हैं, वो अपना अपना रास्ता निकाल लेते हैं। यहाँ पे कुछ आपके जहन में कुछ सवाल हो, कुछ सवाल हो आते हैं यार। सर, वो जैसे आपने बताया कि फियर अल्टीमेटली सबसे बड़ी रडर होती है, किसी भी चीज़ से उसको ओवरकम कैसे किया जाए।
अपने टैलेंट पे, यही चीज, यही चीज खत्म करेगी उसको, इसके अलावा कोई चीज खत्म नहीं करेगी। बाकी सारे खौफ होंगे और वो चलते रहेंगे, कभी खत्म नहीं होंगे। आप ये देखिए, इस जगह पे आ लें, अपने टैलेंट को अपना मोटिवेटर, मोटिवेशन भी बना लें, अपना पर्पस भी बना लें और अपना डिसीजन भी बना लें, तो खौफ नहीं आएगा आपको। पता है दुनिया में सिर्फ दो किस्म की मार्केटिंग है, सिर्फ दो चीजें बेची जा रही है दुनिया में, हर चीज में ये इंसेंटिव बिकता है या खौफ बिकता है। आप ये खौफ की मार्केटिंग कर रहे होते हैं या इंसेंटिव की मार्केट कर रहे हैं, और ये डिसीजन भी बड़ा जरूरी है कि आप खौफ बेच रहे हैं या आप इंसेंटिव बेच रहे हैं। आप ये काम करेंगे तो जन्नत में चले जाएंगे, आप ये नहीं करेंगे तो दौलत में जाएंगे। क्या है? इंसेंटिव है और खौफ है। आप ये ले लीजिए, आप ये दवाई खाइए, आप खूबसूरत रहेंगे, जवान रहेंगे, कभी बूढ़े नहीं होंगे, आपके कभी बाल नहीं गिरेंगे, आपके कमर में दर्द नहीं होगा, आपको चुप नहीं पड़ेगी। क्या है? इंसेंटिव है ना खाने। पानी उबाल के नहीं पिएंगे, पेट के दर्द हो जाएगा, हाइपेटाइटिस हो जाएगी, मैदे का कैंसर हो जाएगा, मर जाएंगे। क्या ये नेस्ले पिए, मिनरल वाटर इस्तेमाल करें, क्या ये खौफ बेच रहे हैं ना सर? और ये मल्टीविटामिन ले, वो कहते हैं कि फिश ऑयल इस्तेमाल करें तो बड़ी स्किन जबरदस्त होती है, क्या ये इंसेंटिव? तो दुनिया में सिर्फ दो ही चीजें हैं। तो ये जो चीज है, ये जो जगह है थर्ड, इसके अंदर आपको ना फियर रहता है ना आपको इंसेंटिव की जरूरत रहती है, सिर्फ यही हो जाएगा। इसके अलावा वो डॉक्टर साहब क्यों डॉक्टर हैं कि इंसेंटिव है, पैसे पूसे मिल जाएंगे, इंसेंटिव खत्म हो गया तो उन्होंने नई दुकान खोल दी, वो वहां से निकल गए सर, और बेच क्या रहे हैं? फियर बेच रहे हैं। तो आप ये भी जहन में रखें कि आप बेच क्या रहे हैं, आप फियर बेच रहे हैं या आप इंसेंटिव बेच रहे हैं। ये मार्केटिंग करनी भी बहुत जरूरी, मार्केटिंग के लिए वुमन छोटी होती है ना, कभी इस टाइप की वर्कशॉप होती है जिसमें हम ये डिसीजन करते हैं कि हमने बेचना क्या है। जब भी कोई नई प्रोडक्ट बन रही होती है या एक नई कंपनी बन रही होती है, तो फिर मैं वुमन जाता हूँ वहाँ पे, तो मैं ये कहता हूँ कि आपके प्रोडक्ट पे फैसला कर लें कि है क्या, क्या ये फियर है। तो आपको अपने लोगों को ट्रेन करना होगा कि वो फियर बेचें, वो अगर फर्ज कीजिए उस फियर को इन्वेस्ट है उसमें कन्वर्ट कर देंगे इंसेंटिव में, तो वो नाकाम हो जाएगी प्रोडक्ट। और आप ये भी फैसला करें कि है क्या है, इंसेंटिव है तो फिर लोगों के इसमें फियर ना डालें। ये इंश्योरेंस जो है पूरी दुनिया में अब तक कामयाब क्यों नहीं हुई? फियर फैक्टर है जी, आप मर जाएंगे तो आपकी बीवी को ये फायदा होता है, मुझे क्या उसको क्यों फायदा होता है ना, क्योंकि इसके अंदर वो फियर एलिमेंट है और चीज बेची जा रही है तो वो लोग नहीं लेते सर। कार के अंदर ले लेंगे आप हमेशा, जो ये जो लाइफ इंश्योरेंस है वो बहुत लोग कम लेते हैं, आज भी उसकी रेशियो बहुत कम है। घर के लिए लेंगे, इंसेंटिव है कि घर गिर गया, तबाह हो गया तो नया मिल जाएगा, गाड़ी तबाह होगी तो नई मिल जाएगी सारी। मेडिकल इंश्योरेंस है, बीमार हो गए तो मुफ्त इलाज हो जाएगा, इंसेंटिव है ना ये जो। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस जो है, आप मर गए तो आपकी बीवी को ये फायदा दादा। दुनिया में जितनी भी इंश्योरेंस है उसमें सबसे कम जो है वो लाइफ इंश्योरेंस होते, लोग कम लेते हैं। मैं तो नहीं हूँ ना तो मुझे क्या, उसके मुकाबले में दूसरी, क्योंकि सारी चीज़ें जो है ना आप कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब एक ही चीज़ देखें, उसके अंदर फियर है तो कामयाब नहीं हो रही, इंसेंटिव है तो कामयाब हो रही। तो ये चीज़ें जो है ना, ये आपकी लाइफ में आपने ये फैसला करना भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप बेच क्या रहे हैं। और फियर फैक्टर जो होगा वो हमेशा इसी वक्त ख़त्म होगा जब आप अपने टैलेंट पर अपने डिसीजन खुद कर रहे होंगे, और आपका टैलेंट जो है वो सबसे बड़ा मोटिवेशन होगी आपके लिए, वो सबसे बड़ा पर्पज़ होगा। पर्पज़ छोटा होगा तो कामयाब नहीं हो सकेंगे, और फिर शेर की तरह ये होगा कि नया लंच तलाश करेंगे, नया जानवर, लेजी, बीमार, दौड़ नहीं सकता और जिसको बड़ी आसानी से खा सकते हैं आप, धूप में बैठे हो तो आप दो तीन छोटे छोटे जानवर मार के अपने सामने रख के तो उनसे लुत्फ लेंगे, बड़ी छलांग नहीं लगा सकेंगे आप। दूसरा ये है कि अगर आप फर्ज कीजिए अपने टैलेंट में नहीं है तो आप थकेंगे, आपके अंदर पैशन नहीं आएगा, आपके अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं आएगी, आप लाइफ को इंजॉय नहीं कर सकेंगे। आप मंजिल पे पहुंच भी गए तो थके होंगे, मंजिल नहीं मिली तो बड़ी तकलीफ होगी आपको भी यार, ये चक मारे पूरी जिंदगी रायगा चले जाएगी, पता चलेगा कि अब्बा जी की लाइफ में मेरी लाइफ में कोई फर्क नहीं था, वो भी रोते गए, मैं भी दुनिया से रोते वापस जा रहा हूँ, ना वो खुश थे ना मैं खुश था। तो दो तीन नस्लों से नाना जी, दादा जी, अब्बा जी, ताया जी सब जो है, और मैं भी, सारे लोग अनसेटिस्फाइड, बीमार, बेजार, दुनिया ऊपर लानत भेजते हुए यहाँ से रवाना हो गए। तो ये एक फर्क होता है लाइफ के अंदर सर। हाँ, ये दौरानिया जो ये अरसा है ना बहुत लंबा है, यूरोप के अंदर ये 14 साल तक, 15 साल तक, 16 साल तक खत्म हो जाता है। हर 16 साल के बाद वो बच्चा जो है वो डिसीजन अपने खुद करना शुरू कर देता है,
वो फिर फैमिली के डिसीजंस में, सोसाइटी के डिसीजंस में, गवर्नमेंट के डिसीजंस में नहीं आता, एनवायरनमेंट के डिसीजंस में नहीं आता। 18 साल की उम्र में उस बच्चे को बाहर इसलिए निकाल दिया जाता है कि अपनी लाइफ खुद सिमरन, अपनी जिंदगी खुद गुजारे, उसके बाद उसको एक मौका दे दिया जाता था। वो सब प्रेसिडेंट का बच्चा हो, बड़ा बिजनेस टाइकून का बच्चा हो, स्पोर्ट्समैन का बच्चा हो, एक आम टॉम डिक और हेनरी का बच्चा हो, वो 18 साल की उम्र में उसको निकाल देता है ताकि ये अपनी ज़िंदगी खुद अडॉप्ट करे, खुद सीखे, खुद फैसला करे। लेकिन वो क्यों कि हमारी ऐसा नहीं है, हम तो 3 generations तक एक घर में रहते हैं और वहाँ पे इन्फ्लुएंस रहता है। तो हमारे लिए सबसे आइडियल टाइम वो है 25 से लेकर 30 साल की उम्र में। इस उम्र में हमें फैसला कर लेना चाहिए और उस फैसले करने के बाद हमें अगर उस प्रोफेशन की एजुकेशन चाहिए तो हमें शॉर्ट कोर्सेज करने चाहिए। अब पाकिस्तान के अंदर शॉर्ट कोर्सेज के बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ ने ऑप्शन दे दिए, और अगर इसके साथ अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप बाहर जरूर जाएँ, आप हार्वर्ड में जाके एक हफ्ते का, 2 हफ्ते का आप शॉर्ट कोर्स करें, आप ऑनलाइन, अब यूनिवर्सिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा, आप वहाँ पर चले जाएँ, ऑनलाइन आप ट्यूटर्स ले सकते हैं पूरी दुनिया में से, वहाँ से उनके साथ आप फीस तय करके वो आपको बता देंगे कि मार्केटिंग है क्या, वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि 25 से 30 साल तक आपको डिसीजन कर लेने चाहिए, और उसके बाद आपको एजुकेशन के लिए ऑनगोइंग एजुकेशन, यानी आपको हर 3 साल के बाद अपने आप को दोबारा नए सिरे से स्टूडेंट बनाना चाहिए, नए सिरे से आपको उन चीज़ों को सीखना चाहिए, क्योंकि दुनिया के अंदर हर 6 महीने बाद टेक्नोलॉजी बदल जाती है, फिलोसफी चेंज हो जाती है चीज़ों की। तो आप 3 साल बाद अगर फर्ज करिए छोटे कोर्सेज नहीं कर रहे और आप अपने आप को दोबारा अलाइंटन नहीं कर रहे तो फिर आपके लिए इशू बन जाएगा, फिर आप पीछे रह जाएंगे। मैं आपको एक और चीज़ सिखाना चाहता हूँ, एक तो ये है कि बेसिकली डिसीजन जो है वो आप प्रोडक्ट है उसके, दूसरा पर्पस जो है वो उसके होते हुए किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, तीसरा ये है कि अंडरस्टैंडिंग, हम चीज़ों को अंडरस्टैंड कैसे कर सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ में। जब तक आप चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे आप डिलीवर नहीं कर सकेंगे। अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है कि हर लफ्ज जो है उसका मतलब तलाश करें, उसकी मीनिंग्स तलाश करें। आप उसके मीनिंग्स तलाश कर लेंगे तो आपके लिए हर चीज़ आसान हो जाएगी, बहुत आसान। बस हम कहते हैं कि नमाज पढ़ें, दो चीज़ें नमाज है पढ़ें, अब जब तक हमें नमाज का पता नहीं होगा तो हम क्या पढ़ेंगे, और जब तक हमें पढ़ने का पता नहीं होगा हम क्या पढ़ेंगे। लिहाजा पढ़ने को भी पता करना चाहिए और नमाज को भी करना चाहिए। ये बिल्कुल इस तरह है कि आप कहाँ रहते हैं? रावलपिंडी में। किस जगह पर? चकलाला सीट में। चकलाला सीट, मैं आपसे कहूँ कि यहाँ से चकलाला 3 जाना है तो आप मुझे एक्सप्लेन कर देंगे? जी, जो बेस्ट पॉसिबल रूट होगा आपको बता दूँ। बता देंगे ना आप सारे? अच्छा, मैं अगर ये फ़र्ज़ करूँ, मैं कहूँ कि जी मैंने लाहौल में मुमाल रोड पर मैंने शहाल भी जाना है तो कैसे जाऊँगा, आप बता सकेंगे कहाँ जाना है? देखें ना, ये शाह आलम मार्केट, शहाल में उसको कहते हैं, शाह आलम। सर उसका मैं आपको गूगल मैप्स अभी आपकी भी वो सर्विस आ रही है तो ऑब्वियसली उसे अवेल करना चाहिए, कोई और टूल इस्तेमाल करें, क्योंकि लाहौर में कोई आपको सही रास्ता बताता नहीं है। समझ कर समझाएंगे तो आप लोगों को समझा लेंगे, ठीक है? समझ कर समझाएंगे तो आप लोगों को समझा लेंगे। पर चकलाला इसलिए समझा सकेंगे कि आप समझ गए उसको, आप बड़ी आसानी से समझा लेंगे। माल रोड से शाह आलम इसलिए नहीं समझा सके कि आपने समझा नहीं है। पैशन आपको पता होगा क्या है तो आप एक्सप्लेन कर लेंगे, आप अगर नहीं उसको एक्सप्लेन कर सकेंगे तो फिर रात की बर्फ, बादलों की गरज, हवा का फर्क, फिजा का सन्नाटा और चांदी का छाला, रेशम की जलमलाहट, हवाओं की सरसराहट, सिर्फ ये है। सिर्फ ये है। तो आपने कहा पैशन, तो कहा ना आपने जी, क्या है पैशन? सर मेरे ख्याल से देखिए कुछ चीज़ें होती हैं इंसान की लाइफ में जो, जैसा आपने पहले बात की ए बी और सी वाली, ठीक है, कुछ चीज़ें आप सोसाइटी से सुन के चलती हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें जो है वो आपके ऊपर मे बी आप कह लें थोस दी जाती हैं, मैं ये लफ्ज़ यूज़ करूँ, और एक है आपका सेल्फ डिसीजन, ठीक है। तो पैशन बेसिकली मेरे ख्याल से वो चीज़ है जो आप खुद सेल्फ मोटिवेट होके जिस चीज़ को आप जिस रास्ते पर चलेंगे वो पैशन कहलाएगा। ये जो कहते हैं ना गाने में पैशन का शब्द है, ये क्या चीज़ होती है? सर देख मेरे ख्याल से जिस चीज़ में आपकी पूरी फोर्स आप इनपुट कर रहे हैं वो पैशन है। इंसान जो है 3 चीज़ों का मजमू है, इंसान वाहिद चीज़ है कायनात में जो 3 चीज़ों का मजमू है, जो 3 जिंदगियां लेके फिर रहा होता है।
एक हमारी बॉडी होती है, एक हमारा माइंड होता है, एक हमारी स्पिरिट होती है। ये तीनों जिंदा चीजें हैं, इन तीनों जिंदा चीजों को खुराक चाहिए। हमारी बॉडी जो है इसको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट चाहिए, विटामिन चाहिए, सब कुछ चाहिए, है ना, पानी चाहिए इसको, जिसको इसको हवा चाहिए, इसको रोशनी चाहिए, इसको एक्सरसाइज चाहिए, सब कुछ चाहिए इसको। बिल्कुल इसी तरह हमारी स्पिरिट जो है उसको भी खुराक चाहिए, पॉजिटिविटी उसकी खुराक होती है। पॉजिटिव हो जाए तो आपकी स्पिरिट बड़ी स्ट्रांग हो जाती है। हमारा माइंड है, माइंड जो है रोज 65,000 सवाल हमारे दिमाग में पैदा होते हैं। ये सारे जो सवाल है ये जवाब चाहते हैं, ये जो सवाल है और ये जो जवाब है ये इसकी गजा है, ये इसकी फूड है, इसको फूड फॉर थॉट कहते हैं। वो इसलिए कहा जाता है कि हमारे जहन में सवाल पैदा होते हैं, 65,000 सवाल हमारा माइंड रोज जनरेट करता है और रोज वो कहता है कि सवालों का जवाब चाहिए। और आप जितने ज्यादा जवाब आपके पास होते हैं आपका उतना माइंड फर्टाइल हो जाता है, उतना स्ट्रांग हो जाता है। सर पॉजिटिविटी हमारी रूह की गजा है, जितने हम पॉजिटिव हो जाते हैं, जितने हम चैरिटी करते हैं, जितने लोगों की मदद करते हैं, जितने हम लोगों को सपोर्ट करते हैं, जितना हम हमेशा हर चीज़ को भरे हुए ग्लास को भरा हुआ ग्लास देखते हैं, आधे ग्लास को भरा हुआ देखते हैं, ये सारी चीज़ें जो हमारी स्पिरिट की बेसिकली गजा हैं और जिस्म को जिस तरह बाकी चीज़ें चाहिए। सर बास काम होते हैं जो हम जिस्म से करते हैं, बास काम जो होते हैं हम माइंड से करते हैं, बास काम ऐसे होते हैं जो हम स्पिरिट से करते हैं। यही होता है, हम तीन हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। पैशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें ये तीनों चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, हमारी बॉडी, हमारी सोल, हमारा माइंड, इसको हम कहते हैं पैशन। जब भी ये तीनों चीज़ें इकट्ठी होकर जोर लगाएंगे तो वो मसला ज़रूर हल होगा। उसकी वजह ये है कि अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, हमने अपने पूरा असासा उस पर लगा दिया। हम ये कहते हैं कि गाना आवाज़ से ना गाएं, म्यूज़िक से ना गाएं, जो आपने सीखा हुआ है, ट्रेनिंग है, उससे ना गाएं, अपने गले के ज़ोर से ना गाएं, पैशन से गाएं। जो पैशन से गाने वाले होते हैं लोग, आप देखिएगा, ये जो होती है ना आपदा परवीन, ये इसलिए कामयाब है कि वो पैशन के साथ जाती है। आपको बॉडी इन्वॉल्व होती नज़र आती है, आपको उसकी माइंड इन्वॉल्व होता हुआ नज़र आता है, आपको उसकी स्पिरिट इन्वॉल्व। इसलिए वो कहते हैं कि ये जो मोहब्बत होती है ना, ये वाहिद चीज़ होती है जिसमें तीनों चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, इसलिए बंदा पागल हो जाता है। लिहाजा हर पैशनेट आदमी पागल होता है, आपको नॉर्मल नहीं मिलेगा। आइंस्टाइन आपको कभी नॉर्मल नहीं मिलेगा, आपदा प्रवीण आपको कभी नॉर्मल नहीं मिलेगी, आपको मजनू कभी नॉर्मल नहीं मिलेगा। उसकी वजह यह कि पैशन के साथ कर, तो जो शख्स पैशन के साथ होगा वो नॉर्मल नहीं लगेगा आपको, वो नॉर्मल नहीं लगेगा। वो हो सकता है जनाब हाथ में पकड़ के फिर रहा हो और स्लाइस जो होगा तो जेब में डालो। उसकी वजह यह है कि वो इन्वॉल्व होगा। तो पैशन बेसिकली वो फेज है लाइफ का जिसमें आपकी तीनों चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं, इसको हम पैशन कहते हैं। जहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगी वहाँ ये पैशन आएगा। और ये आपकी बात बड़ी हद तक दुरुस्त है कि जब आप अपना डिसीजन खुद करते हैं तो मैक्सिमम आप पैशन की तरफ चले जाए, पैशनेट हो जाते हैं। जी आगे बताइए, आपसे कोई सवाल था? भूल गए पैशन के बारे में। इसका ये फायदा होता है दूसरा कि जब भी आप कुछ करना चाहते हैं तो उसका पर्पस होना चाहिए। अगर आपका पर्पस नहीं है तो फिर भी आप कामयाब नहीं हो सके। इसकी कहानी है कि एक हिरन है, डियर, वो पानी पी रही है, एक नदी है उसके किनारे, उसे दाएं बाएं देखा इस तरह करके। आपको होता है हर जानवर, हर जानदार जो होता है पहले पूरे एनवायरनमेंट को देखता है, खाना खाने से पहले या पानी पीने से पहले वो पहले पीछे मुड़ के देखता है, सामने देखता है, इधर देखता है। बेसिकली उस सेंसर लगे होते हैं उसके अंदर, एंटीनाज होते हैं जो उसको बताते हैं कि कहीं खतरा है या नहीं है। तीन चीज़ें याद रखें कि हमेशा फौरन अलर्ट होता है बंदा उसकी तरफ। नंबर वन खाने की तरफ, आप अभी यहाँ पे खाने की चीज़ रखते हैं, हमारा माइंड, हमारी बॉडी हमेशा उसकी तरफ हो जाएगी, हम हमेशा उसको देखेंगे। दूसरा ब्यूटी, जहाँ पे भी खूबसूरती होगी हम उस तरफ देखेंगे। पीछे एक खूबसूरत तस्वीर लगती है, सारे लोग उसको देखना शुरू करते हैं, शीशा उसको देखने शुरू कर देते हैं, उसकी वजह हम नज़र आ रहे हैं, हम समझते हैं हम बड़े खूबसूरत हैं। तो वो उसमें था। तीसरा खतरा, खतरा जो होता है हम फौरन सेंस कर रहे हैं। तीन चीज़ों को हमेशा फौरन हम सेंस कर लेते हैं, खाने को, ब्यूटी को और डेंजर को। तो जो भी जानवर खाना खाने लगता है, सर नीचे झुकाता है, तो उससे पहले वो पूरे एनवायरनमेंट को देखता है, वो खतरे को भांपता है कि कहीं खतरा तो नहीं है, और उसके बाद वो खाना खाता है। खाना खा के उस वक्त अलर्ट रहता है। आप देखिएगा
कि कोई भी जानवर कोई भी परिंदा जब खाना खा रहा हो या पानी पी रहा हो तो अलर्ट बहुत होगा, क्योंकि वो छोटी सी आवाज़ भी आती है तो एकदम सर उठा के दाएं बाएं देखता है और उसके बाद दौड़ लगा देता है, क्योंकि सर्वाइवल जो होता है उसकी सबसे बड़ी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद होता है सर्वाइवल, मैंने सर्वाइव करना है। तो एक हिरन जो थी वो मुँह नीचे करके पानी पी रही थी, एक साइड पर एक शेर बैठा हुआ था बड़ा दूर, वो उसको देख रहा था, भाप रहा था, उसको क्या था, जो ही उसने पानी पीना शुरू किया तो शेर ने जंप लगाया होता था, उससे शेर दौड़ा, एकदम हिरन को महसूस हुआ कि कुछ हो रहा है, उसे उसने देखा, उसकी सेंसेस ने कहा कि खतरा है पीछे, तो उसने दौड़ना शुरू कर दिया। अब ये देखिएगा कि हिरन दौड़ रही है, पीछे से शेर दौड़ रहा है, दौड़ते दौड़ते जा रहा है, दौड़ते जा रहे हैं, सामने से एक दरिया आ जाता है, तो आप ये समझे कि 30-40 फिट का या 15 मीटर का दरिया वो गुजर रहा है। जो ही वो हिरन वहां पर पहुंची तो उसने जंप लगाया इस तरह और दूसरे साइड पर चले, शेर भी दौड़ता हुआ आया यहां पर रुका और उसने जंप नहीं लगाया, वापस चला गया। क्यों सवाल? वो सर्वाइव नहीं कर रहा। सवाल, हिरन ने क्यों जंप लगा दिया? क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं है, सर्वाइव करना है, सर्वाइव करना है, हिरन ने उसके जंप लगाना ही है, उसके पास ऑप्शन नहीं है, जंप नहीं करती तब भी मर जाती, जंप कर ली तो एक ऑप्शन था उसने पास कर ली। पर्पस का फर्क है, शेर सिर्फ खाना खाने के लिए दौड़ रहा है, हिरन सिर्फ जान बचाने, हिरन जान बचाने के लिए दौड़ रहे हैं, पर्पस का फर्क है। पर्पस जब बड़ा होगा तो आप बहुत बड़ी छलांग लगा रहे हैं, पर्पस जब छोटा होगा तो आप छलांग नहीं लगा सकेंगे जिंदगी में कभी। शेर ने सोचा कि ये मेरा खुराक है सिर्फ लंच है, तो मुझे अपनी जान खतरे में डालने की क्या जरूरत है। वो पानी के पास आकर रुक गया, तो उसने कहा ऐसे गिरेंगे मर जाएंगे, चोट लग जाएगी, लानत भेजे वो थोड़ी यहाँ पे इतने, उस तरह ये खरगोश खा लूंगा आज मैं, थोड़ा सा कम खा लूंगा। तो बेसिकली इसका पर्पस जो था खुराक था, और इसका पर्पस हिरण का जो था वो जान बचाना था। एक बिगर पर्पस जो होता है वो आपको हर किस्म के खतरे से आजाद कर देता है, आप फियर्स को खत्म कर देते हैं। हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी रुकावट फियर होता है, हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी हर्डल फियर होता है, हमारी तरक्की के अंदर जो सबसे बड़ी रुकावट होती है वो फियर होता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, ये जो कहीं ऐसा ना हो जाए ये हमेशा हमारी रास्ते में रुकावट बन जाती है कि कुछ हो ना जाए, मैं जॉबलेस में हो जाऊँ, मैं मुझे मेरा नुकसान ना हो जाए, मैं ये प्रॉपर्टी खरीदी है डी वैल्यू ना हो जाए, मेरी जेब ना कट जाए, ये वो चीज़ है जो आपके सफ़र को आसान नहीं होने देती, जो आपके मज़े को किरकिरा कर देती, जो आपकी प्रोग्रेस को डैमेज कर देती। ठीक है, ये जो तीसरा आदमी है ये हमेशा फियरलेस होता है क्योंकि उसकी वजह यह है कि इसका पर्पस जो है उसका टैलेंट है, लिहाजा पर्पस जो है वो सबसे बेस्ट मोटिवेटर है। आपने किसी शख्स को मोटिवेट करना है तो उससे सिर्फ उसका पर्पस पूछें, ये जो पर्पस है यही आपको सब कुछ गाइड कर देगा और यही उस शख्स को भी गाइड कर देगा कि तुमने जिंदगी में करना क्या है। और आपने अगर अपनी प्रोडक्ट बनना है तो सबसे बेहतरीन जो है वो सी है, यहाँ पे खड़े हो जाओ अपने टैलेंट के मुताबिक, आपको किसी पर्पस की किसी मोटिवेशंस की किसी मोटिवेटर की जरूरत नहीं रहेगी, आपकी नाकामी नाकामी नहीं रहेगी, आपकी तरक्की तरक्की होगी, वो आपके पल्ले कुछ भी ना हो, आप जिंदगी की आखिर में कुटिया में रह रहे हो, छोटी सी छोटे से घर में रह रहे हो 3.5 मरले के, आपके मोटरसाइकिल के अलावा कोई सवारी ना हो और आपके पास 40,000 रुपये से ज़्यादा रकम ना हो और आपने 2-3 वक्त के बजाय सिर्फ 1 वक्त में खाना खाया हो आपने, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको हमेशा एनर्जी देंगी, आपका नुकसान नुकसान नहीं होगा, आपका जो असासा छिन गया वो छिनेगा नहीं, आप हमेशा प्रोग्रेस करेंगे। लिहाजा बेस्ट मोटिवेशन जो है वो बेस्ट पर्पस जो है वो आपका टैलेंट है और बेस्ट प्रोडक्ट आपके डिसीजन की वो है जो आपने खुद डिसीजन किया। ये दो चीज़ें मैं चाहता था।